प्रलय कहिए, तबाही कहिए या कहिए तबाही की बारिश, विनाश को परिभाषित करने के लिए जितने भी शब्द हैं वो इन तस्वीरों के आगे सब छोटे पड़ जाएंगे। कुल्लू में नदी के पास घर का टापू बन गया। मनाली लद्दाख हाईवे पर कोफ्ता ब्रिज पानी की धार में बह गया। मकान दुकान टूट गए, जहां कभी घर हुआ करते थे वो अब बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में देवभूमि हिमाचल पर कुदरत का वो कहर बरपा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 2 अगस्त को लाहौल स्पीति की पिन बेली में बादल फटा। 1 अगस्त को मंडी के पिरान गांव में बादल फटा। 31 जुलाई को शिमला का रामपुर गुस्साए बादलों पर का शिकार हुआ। 31 को ही कुल्लू के श्रीखंड महादेव में बादल फटा। अब जरा शिमला के रामपुर में आई हुई तबाही का मंजर देखिए। शिमला में जब समीज गांव में बादल फटा तो पानी चट्टानों को चीरता हुआ नीचे आया और भीषण तबाही मचाई। जब पानी चट्टानों को चीरता हुआ नीचे आया तो सब में जो कुछ भी आया उसे अपने साथ बहाव में ले गया। कितने ही घर तबाह हो गए, सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, अगर कुछ रह गया तो बस तबाही के निशान। जिनके नीचे जिंदगी की तलाश जारी है, रामपुर के समीज गांव पर बरसी इस कहर में अभी भी 36 लोग लापता हैं, जिनमें 18 महिलाएं और 8 बच्चे हैं। इनकी खोजबीन के लिए डॉग स्क्वाइड की मदद ली जा रही है ताकि मलबे के नीचे दबे शवों और जिंदगियां निकाली जा सके। समीज गांव और उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है, जिनके लिए SDRF पुलिस, आर्मी और ITBP के 301 जवान लगाए गए हैं। डॉग स्क्वाइड के साथ लाइव डिटेक्टर की भी मदद ली जा रही है। JCB और पॉकलैंड के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। टेम्पररी पुल बनाकर ऊपरी हिस्से में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। आसमान से बरसी इस आफत ने शिमला और उसमें बसे लोगों को बहुत गहरे जख्म दिए हैं। और वहीं दूसरी ओर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सेना बहादुरों के लिए भी इस ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं है, क्योंकि हर जगह मलबा फैला हुआ है, पुल टूटे चुके हैं, रास्ते बह चुके हैं। ऐसे में सेना के जवान पहले रास्ता बना रहे हैं, फिर लोगों को निकाल रहे हैं। घायलों को इलाज देने के लिए कैंप लगाए गए हैं। बादल फटने से जो भीषण तबाही हुई है, प्रलय की शक्ल में पानी अपने साथ अपने रास्ते बहा ले गया। पहाड़ की ढलान में बने पहाड़ ढह गए। 4 लोग अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश अभी तक हो रही है। चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। 800 करोड़ रुपए का अभी नुकसान हुआ है और 55 के करीब लोग लापता है, जिसमें कुछ डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अभी क्योंकि डेड बॉडी में हमने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भगवान से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हिमाचल पर थोड़ा रहम कीजिए।